जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं मालगाड़ी के डिब्बों को कोच ना कह के उसे वैगन कहा जाता है और वैगन के अलग अलग प्रकार। देखिए इस वीडियो में हम लोग रेलवे मालगाड़ियों के अलग अलग प्रकार के डिब्बों के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उस पर कभी कभी सुने होंगे कि लूज संटिंग ना करें, दोहरी पाइप, इस सब का भी मतलब हम लोग समझेंगे। ये जो आपको रेड कलर की बॉगी दिख रही है, वैगन दिख रहा है, ये सबसे पहले एक बॉक्स टाइप का है, लेकिन आप देखें इसको, ये बॉक्स कवर है। वैसे चीज़ों को रखते हैं जिसे बारिश से बचाना होता है, जैसे सीमेंट हो गया, अनाज हो गया, ये सब चीज़ों को हम इसमें रखते हैं। तो ये बॉक्स टाइप का है लेकिन कवर है, तो बॉक्स कवर्ड। एन से होता है न्यूमेटिक ब्रेक। न्यूमेटिक ब्रेक का मतलब होता है प्रेशर से, एयर के प्रेशर से लगने वाले ब्रेक को क्या कहते हैं, न्यूमेटिक ब्रेक। तो एन से मतलब नहीं है, आप देखेंगे तो रेलवे के मालगाड़ियों में हर तरह के डिब्बों में एन लगा रहता है, यानी न्यूमेटिक ब्रेक। तो ये बॉगी कवर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, BCN कहते हैं। लेकिन इसमें भी कई टाइप के होते हैं, BCN का भी आगे कई वेरिएंट मिलेगा, तो उससे नहीं घबराना है। मेन ये BCN ही होता है। इसको आप नीले रंग का भी देखेंगे, कोई छोटा साइज कोई बड़ा साइज। तो आप ऐसे समझिए, आप एक मोटरसाइकिल देखे होंगे पैशन, पैशन, तो उसकी तीन चार वेरिएंट है, पैशन है, पैशन प्रो है, पैशन एक्स प्रो है। तो वो गड़िया तो एक गो है पैशन, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसका वेरिएंट बना दिया। तो वेरिएंट से नहीं घबराना है, ये क्या है, BCN है, बी फॉर बॉगी, सी से कवर, तो BCN हो जाता है, ये समझ गए। अब आप इसको देखिए, ये भी तो एक बॉक्स टाइप का है, लेकिन जो इसका बॉक्स है, ये बॉक्स देखेंगे तो ये ऊपर से खुला हुआ है। ये खुला हुआ है तो इसमें हम ऐसे चीज़ों को रखते हैं जिससे भीगने से कोई खराबी नहीं होगा, जैसे गिट्टी मंगाना है, पत्थर मंगाना है, कोयला मंगाना है, तो इसको हम लोग ओपन बॉगी में रखते हैं। तो इसे कहते हैं बॉक्स ओपन न्यूमेटिक ब्रेक। तो इसको हम लोग कोड में क्या कहते हैं, BOXN। तो इसका याद रखेंगे, इसका कोड नाम होता है BOXN। इससे पहले वाला BCN, ये हो गया BOXN। अब आप एक और टाइप का वैगन देखे होंगे, ये पेट्रोल वाला। तो इस पेट्रोल पे आप पढ़े होंगे लूज सेंटिंग ना करें, ये सब के बारे में अभी समझाएंगे। बॉक्स टैंकर है, ये पी का मतलब होता है पेट्रोल, ए रहेगा तो एल्यूमिनियम हो सकता है, मिल्क के लिए भी हो सकता है, LPG गैस के लिए, लेकिन उसमें BTP जरूर रहेगा। एन से तो समझते हैं, ये तो ब्रेकिंग को दर्शाता है, यानी एयर ब्रेक है, न्यूमेटिक ब्रेक है, तो इसे कहते हैं BTPN। तो ये BTPN हो गया, कोई भी टैंकर देखेंगे ना BTPN कैटेगरी में जाएगा। इसके भी वेरिएंट होते हैं, तो वेरिएंट से मतलब थोड़ी होता है, आप बॉगी को बस जानते रहिए। इसमें भी आप देखें होंगे यहाँ लिखा होता है कि रिटर्न वापसी, इसका मतलब क्या होता है, तो ये हो गया आपका BTPN। अब इस तरह के आप देखे होंगे रेलवे में वैगन, ये क्या करते हैं, पत्थर गिराते हैं यहाँ साइड से, रेलवे के किनारे जो पत्थर होते हैं उसको गिरा देते हैं, एक ही जगह गिरा देते हैं, पत्थर को बैलेस्ट कहते हैं। वो बता देंगे कि रेलगाड़ियों में पत्थर क्यों बिछाए गए रहते हैं, या जो बड़ी बड़ी कारखाने हैं उनमें कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो इस वैगन से भी कोयला मंगा देते हैं, ताकि इधर से आप रिलीज कीजिएगा तो यहां से पूरा कोयला बाहर गिर जाएगा, ट्रेन चली जाएगी, किसी मजदूर से हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे वैगन को हम हुपर वैगन कहते हैं, हुपर, नहीं तो इसे BOB कहते हैं। हुपर वैगन कहिए या BOB कहिए, ये आप देखे होंगे ये पत्थर वगैरह को लेके जाते हैं, तो ये BOB या हुपर वैगन होगा। अगला समझते हैं हम लोग, कंटेनर को ले जाने वाला, ये हो गया, ये सी फॉर क्या हो गया, कंटेनर। एक ऐसा होता है वैगन जो ऊपर से फ्लैट होता है, लेकिन उसमें जगह जगह से कुछ खांच निकले रहते हैं इस तरह से, ताकि इसमें जब कंटेनर को रखा जाए तो कसने की जरूरत ना पड़े, वो उसी में ऑटोमेटिक फिट हो जाए, और इस तरह से एक के ऊपर एक कंटेनर भी ले जाएंगे, एक नट भी नहीं कसना होता है इसमें, चुपचाप इसी के ऊपर फिट होकर चला जाता है। तो ऐसे कंटेनर वैगन को, ये तो ट्रेन हो गई, कंटेनर हो गया, ये कंटेनर तो इस पर रखा गया है वैगन पे, तो इसे हम कहते हैं BLC। सी फॉर क्या हो गया, कंटेनर, BLC वैगन इसे कहते हैं। आप इस तरह से पूरे फ्लैट वैगन देखे होंगे, पूरा ऊपर से खाली रहता है, इसमें से कभी मिलिट्री की ट्रकें लोड कर दी जाती हैं, या आपको इस तरह से कुछ भी चीज़ों को इस पर लोड कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है। तो ऐसे वैगन को हम लोग BRN कहिए या फ्लैट वैगन कीजिए, ये ऊपर से पूरा खाली रहता है, आप इस पर कुछ भी चीज़ों को रख सकते हैं। फ्लैट वैगन का ज़्यादातर प्रयोग मिलिट्री वाले करते हैं, और महाराष्ट्र के पास ये जो कोंकण रेलवे है, ये कोंकण रेलवे पे ऐसी ट्रेनों का ज़्यादा यूज होता है जो रोल ऑन के लिए प्रयोग होती हैं और रोल ऑन ऑफ के लिए प्रयोग होती हैं। रोल ऑन और रोल ऑफ को हम लोग शॉर्टकट में रोरो कहते हैं, यानी एक बार आप ट्रकों को एक स्टेशन पर उन गाड़ियों पर चढ़ा दीजिए तो वो रोल ऑन हो गया, अब वो ट्रेन उनको लेकर चली जाएंगी और वहाँ जहाँ उतारेंगी उसे कहते हैं रोल ऑफ। इससे फ़ायदा क्या होता है, कोंकण रेलवे में इतने ज़्यादा
पहाड़ है कि वहाँ ट्रक जाएगा तो वो उसको काफ़ी खर्च आएंगे, रिस्क भी रहेगा और ट्रैफिक भी जाम होगा। इसलिए रेलवे ने यहाँ कोंकण रेल बनाया है और फ्लैट वैगन लगा दिया है, ट्रकों को इस फ्लैट वैगन पर चढ़ा दिया जाता है और ट्रक को वो ट्रेन लेकर चली जाती है और वहाँ उतार देती है। इससे काफ़ी फायदा होता है। आप एक पैसेंजर ट्रेन को देखे होंगे जिसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं रहती होगी, इस तरह से एकदम बराबर रहता होगा, इसमें कोई खिड़की नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं न्यू मॉडिफाइड गुड्स वैगन, या इसे को हम शॉर्टकट में कहते हैं एनएमजी रेक। ये एनएमजी रेक क्या होता है, जब कोई सवारी गाड़ी 21 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो अब उसे ओवर एज करके निकाल दिया जाता है। चूँकि वो सवारी गाड़ी थी अतः उसका सस्पेंशन अच्छा होता है मालगाड़ियों की तुलना में, इसलिए उसकी खिड़कियों को बंद करके उसके अंदर के सीट वगैरह को निकाल के थोड़ा चेंज करके उसे मॉडिफाई किया जाता है, इसलिए उसे न्यू मॉडिफाई गुड्स ट्रेन कहते हैं, गुड्स वैगन के नाम से जानते हैं। वो 21 साल पुराना होना चाहिए, 21 का उल्टा करेंगे 12, वो 12 टन लोड रोक सकती है। चूँकि उसके खिड़कियाँ बंद रहती हैं इसलिए उसके अंदर का चीज़ ज़्यादा सुरक्षित रह जाता है और सस्पेंशन अच्छा होने की वजह से उसमें जर्क कम आता है और उसमें से हम लोग कार को, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं कार ट्रैक्टर जो भी अपने गाड़ी वगैरह होते हैं वो इसी एनएमजी के माध्यम से भेज देती हैं सब एक जगह से दूसरे जगह पे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना खुद का वैगन बनवाई रहती हैं सब, कि भाई जैसे भारत में कार की मारुति कंपनी, उसका अपना ही वैगन है, वो स्पेशली बना ही दिया है कि भैया ये ट्रेन मेरे लिए ही रहेगा, बस इसको ट्रैक आप दे दीजिएगा चलने के लिए। अब आप मालगाड़ियों पे या फिर सवारी गाड़ी पे भी गौर किए होंगे, वहाँ कहीं कहीं लिखा रहता है वापसी। आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे यहाँ लिखा है आपका वापसी। ये वापसी का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया रहता है? तो देखिए यहाँ जो वापसी लिखा है आप देख रहे होंगे यहाँ 01 और 18 लिखा है। ये पहला जो डिजिट होता है ये मंथ को दर्शाता है और ये जो लास्ट का होता है ये ईयर को दर्शाता है। यानी इस डिब्बे को वापस मंगाना है इसके यार्ड में सर्विसिंग के लिए कब, तो महीना कौन सा कह रहा है कि पहला महीना, सन कौन सा कह रहा है 2018, यानी जनवरी के महीने में किसी भी तारीख को इसे ओवरहॉलिंग के लिए इसके यार्ड मर भेज देना है ताकि इसकी गहन जांच हो सके। इसी को लिखा जाता है वापसी या रिटर्न। आप हर एक बॉगियों पे देखे होंगे लेकिन मालगाड़ियों पे सामने लिख देता है और जो सवारी वाली गाड़ियाँ होती हैं उसके ये पीछे साइड में लिखा रहता है ताकि इसे कब ओवरहॉलिंग यानी मेंटेनेंस के लिए जाना है। आप गौर किए होंगे तो जो पेट्रोल वाली टैंकर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, BTPN, तो उस पर लिखा होता है कृपया लूज संटिंग ना करें, नॉट टू बी लूज संटिंग। तो ये लूज संटिंग क्या होता है, देखिए आखिर ये जो इसमें पेट्रोल भरा हुआ है, दूध वाली होती हैं ऐसे गाड़ियाँ तो उसमें दूध भरा रहता है, LPG वाले में LPG भरा रहता है, तो जिस चीज़ की टैंकर है वही उसमें भरा रहेगा। इन टैंकरों को कहीं ना कहीं तो खाली किया जाएगा, तो जहां इनको खाली किया जाता है तो वहां समय न लगे, समय बचाने के लिए उन यार्ड को इस तरह से हम लोग हल्का सा इससे गड्ढा बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा स्लोप बना देते हैं वहाँ पर रेलगाड़ियों को, ताकि यहाँ ट्रेन की बॉगी आए और ये जो बॉगी होती है ट्रेन का इंजन, इस बॉगी को लेकर जरूर आए लेकिन इस इंजन को यहाँ से क्या किया जा सके, ये इंजन को यहाँ काट देंगे तो ये अपने से डगर जाएगा। इस अपने से डगरने वाली चीज़ को, और यहाँ एक ठो रोकने के लिए एक ठो इस तरह से स्प्रिंग लगा दिया जाता है कि यहाँ रुक जाएगा, तो इस अपने से डगर जाने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लूज संटिंग। अब बताइए इसमें भरा हुआ है पेट्रोलियम, अब लूज संटिंग करेंगे तो छलक जाएगा उसमें, तो लूज संटिंग किसका किया जाता है भैया, जो ओपन बॉगी वाले हैं सब जिसमें कोयला पत्थर भरा है उस सबको लूज संटिंग कीजिए ना। अभी पेट्रोल वाले को लूज संटिंग करेंगे छलक जाएगा, बाहर निकलेगा, चिंगारी वगैरह निकले तो एक्सपोर्ट कर जाएगा, तो इसलिए इस पर लिखा रहता है कृपया लूज संटिंग ना करें। यहाँ पे एक सबमरी के तौर पर देखेंगे ये वाला कौन सा है भाई, तो ये NMG है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स वैगन। ये क्या है, तो फ्लैट वैगन है BRN। इसको देखेंगे तो ये कंटेनर के लिए है BLC, ये पेट्रोल टैंक के लिए है BTPN, ये वाला बैलेस्ट या कोयला गिराने के लिए हुपर कहिए या BOB कहिए, और ये कवर है इसलिए BCN, और ये ऊपर से खुला इसलिए BOXN। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे समझाते हैं।
आप मालगाड़ियों में पीछे इसको देखे होंगे, इसे आप जनरली गार्ड का डिब्बा कहते हैं, लेकिन इसे हम लोग ब्रेक वैन कहते हैं। यहाँ से ब्रेक को कंट्रोल किया जाता है गार्ड द्वारा। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम में हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और भी आप देखे होंगे किसी भी मालगाड़ी वगैरह के ऊपर, तो आप एक चीज़ ज़रूर पढ़े होंगे, यहाँ लिखा होगा ट्विन पाइप, दोहरी पट्टी वाले या ट्विन पाइप। ये ट्विन पाइप का भी मतलब क्या है, ये भी ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। मालगाड़ियों में आप एक और चीज़ गौर किए होंगे, ये एक सर्किल टाइप का स्टेयरिंग टाइप का दिया रहता है, इसका काम क्या होता है, ये ब्रेक वाइंडिंग के लिए होता है। ये भी हम लोग ब्रेक के बारे में समझेंगे। ब्रेक पाइप आप देखे होंगे, जहां दो डिब्बे आपस में जुड़ते हैं वहां नीचे दो काले रंग की पाइप ऐसे आके जुड़ी रहती होगी। ये पाइप का काम क्या होता है, आप यहां देखे होंगे दो ठो पाइप आके जुड़ जाते हैं इस तरह से। ये सब जो होते हैं ये एक्चुअली ब्रेक से रिलेटेड चीजें हैं। आप देखे होंगे चेन पुलिंग करने से पूरी ट्रेन रुक जाती है। क्या होता है कि वैक्यूम मारने से ट्रेन रुक जाती है। वैक्यूम कैसे बनाया जाता है आप कहिएगा, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि ये राउंड सर्किल का मतलब क्या होता है, ये ब्रेक वैन का काम क्या चीज़ होता है, यहाँ जो दोहरी पट्टी लिखता है इसका काम क्या है, ये जो नीचे ट्यूब गया है इस टाइप का ये क्या है। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप आप मालगाड़ियों के जो तरह तरह के वैगन है उसके बारे में समझ गए होंगे। हम सवारी गाड़ी के तीनों टाइप के वैगन बता दिए थे, जिसमें ICF, LHB और बर्जर टाइप की जो बोगियाँ थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।